हेलो फ्रेंड, टॉय मामा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्शन में यूज आने वाला जेसीबी मशीन, जो कि है काफी कमाल का, दिखने में भी काफी ओरिजिनल है गाइस। आज मैं इसको ओपन करके टेस्टिंग करके इसके आवाज में आपको बताने वाला हूँ। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है काफ़ी बेस्ट चीता ट्रक, जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है, काफ़ी कमाल का ये। और इसके पीछे यहाँ पे जो रिमोट है, इसका पूरा अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमें इस रिमोट को किस तरीके से यूज़ करना होता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन भी है और इसकी मशीन को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन में तरीके से दिया हुआ है गाइस। इसके अंदर पीछे भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं गाइस। हाँ तो फ्रेंड, अभी हमने इसको यहाँ से ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका रिमोट कंट्रोल कैसे ऑपरेट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी कमाल का रिमोट कंट्रोल है ये। यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए कीज दी हुई है, सिंगल फॉर व्हीकल इससे, और दोनों व्हीकल अगर हमें आगे फॉरवर्ड करना है तो दोनों को एक साथ हमें प्रेस करना होता है। पीछे करने के लिए भी हमें दोनों पीछे वाली जो बैक की कीज़ हैं इनको भी एक साथ प्रेस करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में दो बटन दिए हुए हैं, ये हमारी जेसीबी का ये जो पार्ट है इसको अप डाउन करता है गाइस। तो काफ़ी कमाल का रिमोट है ये भी। यहाँ पर हमें इंसर्ट करने होंगे इसके बैटरी। और अब हम आ जाते हैं हमारे इस जेसीबी पे, ये भी काफ़ी कमाल का है गाइस। जैसा कि देख पा रहे हो, ये गिट्टी पत्थर और जो भी कचरा इस तरह का सामान होता है वो उठाने के लिए यहाँ से यूज़ होता है। ये दिखने में काफ़ी ओरिजिनल दिख रहा है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ड्राइवर सीट बनी हुई है और हैंडलिंग के लिए ये काफ़ी गजब का बना हुआ है। पीछे इसका इंजन लगा हुआ है और ये व्हीकल है इसके। अब हम इसमें बैटरी को इंसर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, इसके साथ में ये बैटरीज आई हुई हैं जो कि चार्जेबल होती हैं, और ये इसका चार्जर होता है। हम इसको कनेक्ट करके यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं, काफ़ी कमाल की है ये। हमें इसके लिए बार बार बैटरी को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है गाइस इसके साथ में। और ये इसके रिमोट के सेल हैं, तो ये हम इंसर्ट करके हम इसको रेडी कर लेते हैं गाइस। बैटरी इंसर्ट करने के लिए यहाँ से पीछे का ब्लॉक ओपन कर लेते हैं हम, और ये जो चार्जेबल बैटरी है हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं इसको। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। इसको यहाँ से हम लगा देते हैं। बैटरी हमने इंसर्ट कर दिए गाइस, और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन है, इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से इसको ऑन कर लिया है। अभी रिमोट के थ्रू हमें इसे ऑपरेट करना होगा। काफ़ी कमाल का है दोस्तों ये, जैसा कि देख पा रहा हो आप। किस किस को ये जेसीबी पसंद आया है जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अब हम इसको नीचे रख के इसको ऑपरेट कर लेते हैं गाइस।
ओके फ्रेंड, अब हमने इसकी टेस्टिंग करके देख लिया, काफी कमाल का था, काफी मजा भी आया इसको रन करने में, और इसका रिमोट भी काफी बेस्ट है जिसके थ्रू अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो वो भी काफी इजी और काफी आसान होता है गाइस। तो अब मैं इसका आपको प्राइस बता देता हूँ, अगर आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट से परचेस करते हो तो ये काफी कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 1150 रुपए में ही आपको मिल सकता है मार्केट से। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का। अगर आपको ये पसंद आया तो जल्दी से आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और किस किस के पास में ये वाला JCB है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए कि किस किस के पास है गाइस, है ना। अब हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉयज के साथ, तब तक के लिए अलविदा गाइस।